लोकसभा चुनाव से राम मंदिर निर्माण को लेकर बढ़ती गहमा गहमी के बीच केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है जिसमें कहा गया है कि अयोध्या में 67 एकड़ जमीन पर केंद्र सरकार का अधिकार है, जबकि इस जमीन के आसपास सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन पर ही विवाद है। लिहाजा बाकी जमीन जिस पर विवाद नहीं है उसका कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाए ताकि वो राम मंदिर का निर्माण शुरू करा सके। केंद्र सरकार का कहना है कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन के अलावा बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, इसीलिए उस पर यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने करीब 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था। अब केंद्र का कहना है कि जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत नहीं है। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा और अहम कदम बताया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ वासेंद्र मिश्रा एडिटर इन चीफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वासेंद्र जी, केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, विवादित भूमि को छोड़कर बाकी हिस्सा लौटाने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए अनन्या, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर एक समाज विशेष के लोगों का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार इस बात का वायदा करती रही कि अयोध्या में जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और राम मंदिर निर्माण के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर किया जाएगा। लेकिन अदालती कार्रवाई के चलते, अदालती प्रोसीडिंग के चलते केंद्र सरकार और बीजेपी अपने उस चुनावी वायदे को पूरा करने में विफल रहे हैं। अब सरकार ने एक नया, हम कह सकते हैं कि कानूनी दांव पे चला है और वह जमीन जो कि 6 दिसंबर 1992 के वक्त बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार पीवी नरसिंह राव की सरकार थी उससे अधिग्रहित किया था, उन जमीनों को वापस राम जन्म न्याय को देने की पहल की। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जब अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 बीजेपी शासित राज्यों को, राज्य सरकारों को पीवी नरसिंह राव के केंद्र की सरकार ने बर्खास्त कर दिया जी। और उसके बाद तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने ऐलान किया था कि अयोध्या में जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद दोनों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन बाद में जब मामला अदालत में गया और केंद्र सरकार को लगा कि इससे और उसका बदनामी होगी और कांग्रेस पार्टी का होगा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने वायदे से मुकर गए और अभिवादित पूजा स्थल के आसपास की सारे जो जमीनें थी, जो मंदिर थे, उसका अधिग्रहण कर लिया गया था और अदालती आदेश के चलते उस पूरे क्षेत्र में स्टेटस को लागू हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तब से लेके आज तक वहाँ करीब 70 एकड़ जो जमीन है जिसमें विवादित भूखंड भी शामिल है उस पर स्टेटस को लागू है और केंद्र सरकार की अब कोशिश है कि जो भूखंड उस राम जन्मभूमि संबंधित जो विवादित भूखंड है उससे अलग है उसको वापस उन मालिकों को दे दिया जाए जिनसे केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 1992 को अधिग्रहित किया था। तो इसके पीछे केंद्र की कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से जो मोदी सरकार पर दबाव बन रहा है हिंदू समाज का, उस दबाव को कम किया जाए और चुनाव में जाने के पहले ये दिखाया जाए कि हमने जो वायदा किया था राम मंदिर निर्माण का उस वायदा को पूरा करने की दिशा में हमने पहल की है। लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस अर्जी को कितना तवज्जो देता है। बिल्कुल, लेकिन वासेंद्र जी, अगर बात करें, केंद्र सरकार गैर विवादित जमीन की बात कर रही है लेकिन जो विवादित जमीन है उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी चुप है सरकार। देखिए, दो मामले हैं वहाँ। पहला मामला तो ये है कि जो विवादित भूखंड है उस पर अभी भी अदालत में उसके ओनरशिप को लेकर
जो याचिका जो वाद है विचाराधीन है और उसके लिए विशेष पीठ बनी है। विशेष पीठ उस वाद का निस्तारण करेगी, उस पर सुनवाई चल रही है। दूसरा जो भूखंड है वो बाकी जमीनों का वह हिस्सा जो उस विवादित भूखंड से अलग है जिसको केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर रखा है और आज की तारीख में भी उसका स्वामित्व उसका मालिकाना हक केंद्र सरकार का है। अदालती आदेश के मुताबिक उस पूरे भूखंड पर जो विवादित भूखंड है उस पर भी और जो गैर विवादित भूखंड है उस पर भी जो केंद्र सरकार के अधीन है उस पर स्टेटस लागू है। यानी स्टेटस को का मतलब होता है कि जिस हालत में जो जमीन है जो भूखंड है उसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर वहां भूखंड खाली है तो वहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार चाहती है कि जो विवादित भूखंड है उसको केंद्र सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से लेकर और वापस उन भू मालिकों को दे दिया जाए और उन भू मालिकों के जरिए राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए। राम जन्मभूमि न्यास ही अयोध्या में विवादित पूजा स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की कोशिश करता रहा है और उसके लिए अदालत में पैरवी करता रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया? बात अगर समाज की करें तो काफी समय से दबाव बनाया जा रहा था राम मंदिर को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। निश्चित रूप से इसके पीछे मकसद चुनावी है और संत समाज और हिंदू समाज का जो लगातार दबाव बन रहा था भारतीय जनता पार्टी पर उस दबाव को कम करने की कोशिश है और ये दिखाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए गंभीर कोशिश की जा रही है और अदालत से लेके बाहर तक उसके समाधान खोजने की कोशिश हो रही है। चलिए वासिंदर मिश्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जाए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, विवादित भूमि को छोड़कर बाकी हिस्सा लौटाने की मांग केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर विवादित भूमि छोड़कर जो हिस्सा उसे लौटाने की मांग की है। और वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए केंद्र सरकार का मूव है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी पहल है। हाँ, देर से इसलिए हुई है क्योंकि लगभग पिछले 1.5 साल से ये बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला शुरू हो जाएगा और कल आ जाएगा और परसों आ जाएगा, डे बाय डे हेयरिंग शुरू होगी, तो सबको ये उम्मीद थी कि 15-20 दिन में, एक महीने में फैसला आ जाएगा। तो 1.5 साल से हम फैसले का इंतजार कर रहे थे। हम क्या, पूरा देश ये समझ रहा था और गवर्नमेंटें भी ये बात समझ रही थी कि फैसला जल्दी होने वाला है। लेकिन जो ये बाबरी कलंक के पैरोकार है, जो बाबरी मस्जिद जिसको कह के वो एक विवाद दुनिया में पैदा किए हुए हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, एक साजिश है ये हम समझते हैं, तो इन लोगों ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुकदमे को टालने की कोशिश की क्योंकि ये समझते हैं कि ये मुकदमा हारेंगे, जो हारता है वो भागता है। तो इन्हीं ने वहां पर बाहर आके ये कहते हैं साहब कोर्ट का फैसला हम मानेंगे और कोर्ट से फैसला होने ही नहीं देंगे तो फिर राम मंदिर बनेगा कैसे। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसको देखते हुए अगर गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी पहल की है, हम इसका स्वागत करते हैं। वो भूमि जो अनडिस्प्यूटेड है, जिससे उस कलंक से कोई मतलब नहीं, जो मंदिर के लिए एक्वायर भूमि है, वो भूमि अगर राम मंदिर न्यास को वापस मिल जाती है तो राम मंदिर निर्माण वहां से शुरू हो सकता है। और क्योंकि एक भव्य राम मंदिर बनना है तो जब वहां तक आएंगे हम विवादित स्ट्रक्चर तक, तब तक के कोर्ट का कोई ना कोई फैसला आ ही जाएगा और जब फैसला आ ही जाएगा और उसमें देखिए बाबरी पक्षकारों की हार तय है, लिहाजा जब फैसला आ जाएगा तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन वसीम जी, आपको नहीं लगता इससे मुस्लिम पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, मुस्लिम पक्षकारों, देखिए बात कड़वी जरूर है लेकिन कहूंगा जरूर जी, बोलिए। असल में बाबरी पक्षकार जो है उनको मस्जिद से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो खुद समझते हैं कि वहां पर मस्जिद दोबारा नहीं बन सकती जी। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है जो हार्डलाइनर्स हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ
राम मंदिर निर्माण को रोकना है, मंदिर नाम की चीज जहां पर मूर्ति स्थापित हो उसको रोकना है। ये वो इनकी कट्टरपंथी मानसिकता है जिसके तहत इस मुकदमे को वो उलझा रहे। मस्जिद तो ये बनानी नहीं चाहते, अल्लाह के नाम पर सिर्फ विवाद पैदा किए हुए हैं, मस्जिद के नाम पर सिर्फ विवाद पैदा किए हुए हैं, इनको मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन वसीम जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात संत समाज की करें तो लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था राम मंदिर को लेकर, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि कम से कम चुनाव से ठीक पहले हम ये तो दिखा सके कि जिस मुद्दे पर हम कितने एक्टिव हैं। देखिए, संत समाज जो बात कर रहा है वो जायज बात है, उनका हक है। हाँ। अरे भाई, राम राम की पूजा करते हैं, राम को भगवान मानते हैं, अफसोस की बात है कि राम जन्म स्थान पर आज तक मंदिर नहीं बन पाया। इसके लिए तो वो जितना उन्हीं ने धैर्य रखा है, हम उनके एहसानमंद है कि आज कम से कम संवैधानिक तरीके वो ढूंढ तो रहे। अगर कहीं शरई हुकूमत होती जिस जगह पर, वहां पर ये विवाद चल रहा था तो अब तक सबके गर्दन कलम करके और जो विवाद मामला था वो हल कर लिया गया होता। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में हमको कम से कम हिंदू समाज को भरोसा तो है। लेकिन ठीक है वसीम, आप हमारे साथ बने रहिए। और विनय कुमार कटियार, सीनियर बीजेपी नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय कुमार कटियार जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। विनय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए केंद्र सरकार का ये मूव है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, स्वागत योग्य कदम है जी, जो भी उठाया है ये कदम बहुत अच्छा है। और जो जो जिनकी जमीनें उसमें अधिग्रहण हुई हैं वो उनको सबको वापस मिलना चाहिए। और जो विश्व हिंदू परिषद को जमीन मिली, माने श्री राम जन्मभूमि न्यास को 67 एकड़ जमीन, वो उसको वापस मिलनी चाहिए। विवाद तो केवल 120x90 स्क्वायर फीट का है, बाकी कोई विवाद है ही नहीं वहाँ पर। ये 2.77 की जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी जानकारी नहीं। उसमें साक्षी गोपाल का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, उसके राम जन्मभूमि पुजारी का स्थान है, वो उसमें तो कई लोगों के स्थान है। वो सब भी सिंधु परिषद ने, माने राम जन्मभूमि न्यास ने पहले ही खरीद लिए, वो सब उनके कागज हैं, सारे कुछ है। तो वहाँ पर तो केवल वो छोटा सा विवाद है जिसके कारण राम मंदिर नहीं बन पा रहा। ठीक है, लेकिन विनय जी क्या कहेंगे, केंद्र सरकार गैर विवादित जमीन की तो बात कर रही है, लेकिन जो विवादित जमीन है उसको लेकर क्या करेगी सरकार? नहीं, उसको भी लेकर के कोर्ट के अंदर चल रहा है ना मामला जी। हाँ, उसको भी बहुत छोटा सा मामला है, उसको भी हल कर लिया जाएगा, देखेंगे। बाकी तो हो जाए, बाकी जगह तो निर्माण अपना काम कर सके, अपनी जमीन पर हम अपना निर्माण कर सके, ये कम से कम हमको अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए जमीन हमको चाहिए। बिल्कुल। वासेंद्र मिश्र एडिटर इन चीफ, विनय जी आप हमारे साथ बने रहिए। वासेंद्र मिश्र एडिटर इन चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। वासेंद्र जी, विनय जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे? विनय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपको लगता नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से काफी देर से ये पहल की गई है? ये पहल तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी उसी दिन। अब देर सही जो भी हो, लेकिन पहल तो हो गई है, ये अच्छा कदम है। ये बात ठीक है कि विश्व हिंदू परिषद ने भी पहल नहीं की ना उसके लिए, पहले से कि कहते कि ये जमीन हमको दे दो, उसके लिए भी प्रयास हुआ नहीं। जब प्रयास शुरू हुआ तो प्रयास चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो, लेकिन देर से उठाया हुआ कदम सही है। विनय जी, लेकिन आप तो आंदोलन के माने कर्ता धरता रहे हैं, आप जनक रहे हैं इस पूरे राम मंदिर आंदोलन के, आपने अपना पूरा जीवन लगाया है इस आंदोलन में, और आप लोगों को तो अच्छी तरह पता था कि इस समस्या का समाधान बहुत आसान था। अगर वह जमीन पहले ही दिन केंद्र की तरफ से एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी जाती और उसका मालिकाना हक ट्रांसफर करने की अर्जी दाखिल हो जाती, तो शायद इतना जो कानूनी दांव पेच उलझा है पूरा मामला, उससे निजात मिल गया होता बहुत साल पहले ही। नहीं, बहुत साल पहले नहीं मिल गया होता। कोई इस अधिग्रहित जमीन के लिए मुकदमा चल भी नहीं रहा है, कोई उसका मालिक भी नहीं है,
कोई दावेदार भी नहीं है उसका, केवल श्री राम जन्मभूमि न्यास ही दावेदार है, बाकी कोई उसका दावेदार भी नहीं। जो जो जिसकी जमीनें हैं उसको मिल जाए। आप तो अयोध्या से भलीभांति परिचित हो, जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसमें बड़े बड़े विशाल मंदिर भी अधिग्रहित किए गए, जो कि आज वो बिल्कुल सुनसान अवस्था में पड़े हुए हैं। वहाँ मंदिरों में पूजा नहीं हो पा रही है, भोगरास नहीं लग पा रहा, सब वैसे पड़ा। बगल में सीता रसोई थी, वो गिर करके ध्वस्त हो गई, उसका भी कोई रखवाला नहीं रहा, जबकि उसके पास खेती बहुत बड़ी है, प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर कहने के लिए मंदिर नहीं रह गया, ध्वस्त हो गया। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो मिलेंगे तो अपने अपने मंदिरों को लोग काम कर सकेंगे, जिनके पास जमीनें हैं वो अपना काम कर सकेंगे, श्री राम जन्मभूमि न्यास वो अपना काम कर सकेगी, वहाँ पत्थर पड़ा हुआ है तरासने का काम शुरू हो सकता है, बहुत सारा काम है। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जब ये मामला पहले से मालूम था कि ये समय बाबरी मस्जिद का ढांचा कारसेवकों ने गिराया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने रिएक्शन माने अफरा तफरी में, घबराहट में जल्दी जल्दी उसके आसपास की सारी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया, जिसमें पूजा स्थल भी शामिल थे। तो एक तो पहला फैसला जो उस समय नरसिंह राव की सरकार का था, वही जल्दबाजी में लिया गया था, जिसका कि आप लोगों ने उस समय भी विरोध किया था कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से। और दूसरा फिर आज की जो केंद्र सरकार है उसने जो पहल आज की है, यह पहल अगर आज से 4 साल पहले हो गया होता तो शायद इस विवाद का स्वरूप ही कुछ और होता, आपको नहीं लगता है? ये बात ठीक है, हमने पहले देर से उठाया हुआ कदम सही है, अब कदम ये देर से उठा है लेकिन फिर भी सही है। अब आपको क्या लग रहा है कि एक बार फिर चुनाव के मद्देनजर ही किया जा रहा है कि सचमुच कोई प्रतिबद्धता है राम मंदिर के निर्माण के लिए या हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए? नहीं, राम जन्मभूमि के लिए हम और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिबद्धता है, राम मंदिर हमारा बनना चाहिए, उसके लिए काम शुरू होना चाहिए, तो ये बहुत आवश्यक है। सरकार जो कदम उठाया है उसके लिए स्वागत करना चाहिए। अच्छा विनय जी, आपने कई बार पहल की थी इस पूरे विवाद के समाधान के लिए, नरसिंह राव जी के टाइम में भी आपने पहल की थी, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी आपकी तरफ से कोशिश हुई थी, और अयोध्या के साधु संतों को आपने एक मंच पर ला के एक आम राय बना, लगभग आपने एक फार्मूला खोज निकाला था, और आप जो इस पूरे विवाद का बहुत विस्तार से जिक्र, तो क्या वजह रही कि अचानक आपकी कोशिश, आपकी जो मुहिम थी तो उन... हेलो जी, कर गई आवाज। विनय जी आप सुन पा रहे हैं? विनय जी आप सुन पा रहे हैं? आपको सुन लिया जी। जी बात रखिए अपनी। विनय जी आपने मेरा सवाल, आपकी आवाज कट जा रही वासन जी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अयोध्या के विवाद के समाधान के लिए आपने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। नहीं नहीं, जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तब, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब, आपने कई बार बैठकें भी की, साधु संतों को भी एकजुट किया, और दोनों समुदाय के लोगों से आपने एक आम राय बनाने की कोशिश की थी, पर आप जो किताब लिख रहे थे उसमें भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन था आपकी मुहिम का, लेकिन क्या वजह रही कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो आपकी जो सक्रियता थी उसमें कमी देखने को मिली? आपने स्वतः अपने को निष्क्रिय बना लिया या संगठन की तरफ से कहा गया कि नहीं अब आप कुछ दिन निष्क्रिय रहिए, इस मुहिम से अलग रहिए? नहीं नहीं, हमने हमको लगा कि बाकी लोग कर ही रहे हैं, तो अटल जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो ऐसी स्थिति में जो हमको कहना था वो हमने कहा, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए जो काम और होना चाहिए था वो अटल जी के भी सरकार के समय हुआ नहीं, लेकिन ये बात सही थी कि अटल जी ने प्रयास किया था कि राम मंदिर वहाँ बने, और इसके लिए उन्होंने फार्मूला भी ढूंढ लिया था। अब दुर्भाग्य की बात है कि वो दोबारा चुन के आ नहीं पाए,
राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाता। तो बिना जी माना जाए कि जब सत्ता में आने के बाद नजरिया बदल जाता है और सत्ता से बाहर आने के बाद अलग नजरिया होता है और सत्ता में आने के बाद सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि कुर्सी पर लंबे समय तक बना रहा जाए। नहीं, ये बात तो ठीक है, सत्ता तो सब लोग अपने अपनी बचाना चाहते हैं, लेकिन राम मंदिर के बनाने में सत्ता कहाँ जा रही थी किसी की, सत्ता तो वापस आ रही थी। लेकिन अटल जी के समय में जब एक बात लगभग फाइनल हो चुकी थी कि मंदिर यहाँ बनेगा, तो उन्होंने प्रयास भी किया था और फार्मूला भी खोज दिया था, मुस्लिम पक्ष भी लगभग सहमत था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इसके कारण से वो मुकाम रुक गया। अब कहाँ से क्या हो रहा था वो कहना ठीक नहीं है, बताना ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी भारी पहल थी वो। नहीं तो ये जो अब आपके जो विरोधी हैं वो बार बार कहते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो उसकी भाषा अलग रहती है और सत्ता से बाहर आती है तो उसकी भाषा अलग रहती है, तो ये काफी हद तक आपको भी सच दिखाई दे रहा है। नहीं, ये बात ठीक है, हमने पहले भी कहा ना, देर से उठाया हुआ कदम सही है, अब उसका बाकी पोस्टमार्टम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन देर से उठाया हुआ कदम सही है। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समर्थकों को, आपके जो हम कह सकते हैं कि अनन्य रहे हैं आपके अनुसरणकर्ता, उनको आप ही एक बार फिर वायदा करेंगे कि विनय कटियार उसी रूप में दिखाई देंगे जो 90, 92 और 95 में दिखाई दिया करते थे राम मंदिर के सवाल पर? मैं देखिए, राम मंदिर के सवाल पर तो हम पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और रहेंगे, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सक्रियता हमारी जारी रहेगी, उसमें निष्क्रियता का कोई सवाल नहीं, प्रकार उसके बदल सकते हैं, बाकी कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक राम मंदिर का सवाल है उसके लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर बात चलेगी। चलिए विनय जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही वासिंद्र मिश्र एडिटर इन चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वसीम रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विनय जी का कहना था कि हम पहले भी इतने ही सक्रिय थे और अब भी हम लगातार इतने ही सक्रिय, लगातार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर रहेंगे।